हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के कुछ और आए के टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हम इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कॉस्ट का मीनिंग और डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगले पार्ट में, यानी कि जो ये वाली वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सीधा सीधा बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कॉस्ट क्या होती है, डिफाइन करो और साथ में एक्सप्लेन करो उसके एलिमेंट्स भी। ठीक है, तो ये रहे कॉस्ट के एलिमेंट्स और कॉस्ट का मीनिंग डेफिनेशन हमने इससे पहले वाले पार्ट में जान लिया। नहीं देखो तो जाके देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से। तो अब जानते हैं कॉस्ट के एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहला एलिमेंट हमारा मटेरियल। मटेरियल हम कह सकते हैं कोई भी वो चीज, कोई भी वो आइटम जो किसी भी चीज की प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, या फिर उसकी हेल्प से कोई भी चीज बन रही है या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉटन क्लोथ बन रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किस चीज की हेल्प हो रही है? कॉटन की। ठीक है, तो वो कॉटन जो है वो हमारा मटेरियल हो गया। हम कहें शुगर हम बना रहे हैं, तो शुगर के लिए जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? शुगर केन, राइट? क्योंकि शुगर केन से शुगर बनती है, राइट? तो हमारा मटेरियल होता है वही चीजें। यहाँ पर लिखे, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। मटेरियल इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मटेरियल जो है सबसे पहला और बहुत ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट है कॉस्ट का। इट रिप्रेजेंट दोज आइटम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड क्लोथ। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जो मटेरियल है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे आइटम्स को जो कि यूज होते हैं किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर वही एग्जाम्पल दिया, कॉटन इन क्लोथ या फिर शुगर इन शुगर केन इन शुगर एक्सेट्रा। मटेरियल में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। अब मटेरियल की भी दो कैटेगरीज है, क्या क्या है? एक तो डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन एंड विच बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज किया गया हो और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो उस फिनिश्ड गुड के लिए या फिर जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कि उस मटेरियल के बिना वो गुड नहीं बन सकता, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और डायरेक्टली यूज किया गया तो वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन फॉर क्लोथ, आयरन फॉर स्टील एटसेट्रा। वही एग्जांपल लेते हैं कॉटन वाला, कि कॉटन क्लोथ क्या कॉटन के बिना बन सकता है? नहीं। तो जो कॉटन है वो एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, इंटीग्रल पार्ट भी है, और उसके बिना वो कॉटन क्लोथ हमारा नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, फिर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल। बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल इज दैट मटेरियल विच इज नीदर यूज डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन नॉर बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड। तो जो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते हमारे प्रोडक्शन में। ठीक है, ना ही वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन में और ना ही वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उस फिनिश गुड में। ठीक है, जो भी चीज बनी है उसमें उनका कोई बहुत इंटीग्रल पार्ट नहीं होता और डायरेक्टली भी यूज नहीं किए जाते प्रोडक्शन में, तो उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह सकते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो मशीन वहां पर चल रही है जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस मशीन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा वो एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, डायरेक्टली वो भले ही उस प्रोडक्ट में यूज नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसकी हेल्प कर रहा है उसके बनने में। ठीक है, फ्यूल हो गया, हम इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी चीज की प्रोडक्शन होती है, तो वो सारे हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो यूज नहीं हो रहे उस प्रोडक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं हेल्प उसकी कर रहे हैं उसको बनने में, राइट? तो ये थे हमारे मटेरियल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, आगे सेकंड एलिमेंट हमारा कॉस्ट का जो कि है लेबर। लेबर कौन हो गई? वो सारे लोग जो उस किसी भी चीज को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सारे लोग बेसिकली जो कोई भी चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी हमारी लेबर हो गई। लेबर इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लेबर एक दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉस्ट का। विदाउट लेबर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। तो सिंपल सी चीज है, बिना लेबर के ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर सकें या फिर कोई सर्विस हम किसी को दे सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड लेबर। तो लेबर को हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसकी प्रोडक्शन में। लेबर में भी फिजिकल और मेंटल। अब लेबर जो है वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी। फिजिकल यानी कि वो पूरे दिन अपनी बॉडी की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो लगा के काम कर रही है। ठीक है, सुबह से शाम तक, वो एक फिजिकल लेबर हो गई। और एक ऐसी लेबर है जो बैठी हुई है, सिर्फ अपने माइंड का यूज कर रही है कि वो चीज ऐसे करो, वो चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो वो अपना मेंटली जो भी चीजें हैं वो मेंटली कर रहे हैं। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो सब चीजें कर रहे हैं। तो वो फिजिकल और मेंटल दो तरह की लेबर हमारी हो गई। लेबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब लेबर भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एक तो डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। जानते हैं डायरेक्ट लेबर के बारे में। लेबर विच टेक्स एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो वो लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी भी चीज की प्रोडक्शन में, वो हमारी डायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस लेबर, प्रोडक्टिव लेबर और ऑपरेटिंग लेबर, ये हम इसको कहते हैं।
जानते हैं डायरेक्ट लेबर के बारे में। लेबर विच टेक्स एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो ऐसी लेबर, ऐसे लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस लेबर, प्रोडक्टिव लेबर एंड ऑपरेटिंग लेबर एटसेट्रा। तो डायरेक्ट लेबर को कहा जाता है प्रोसेस लेबर भी, प्रोडक्टिव लेबर भी और ऑपरेटिंग लेबर भी कहा जाता है डायरेक्ट लेबर को। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग होगा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी भी चीज की प्रोडक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर की। सच लेबर डज नॉट ऑल्टर द कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो लेबर है हमारी इनडायरेक्ट वाली, ठीक है, ये डायरेक्टली उस चीज के प्रोडक्शन में काम नहीं करते। ठीक है, किसी चीज की कंस्ट्रक्शन ये नहीं करते थे, किसी भी चीज की कंपोजिशन में ये हेल्प नहीं करते। ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली ट्रेस टू स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये इनका वहां पर प्रैक्टिकली कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि किसी चीज को ये बना रहे हैं या फिर किसी चीज की प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, तो उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं वेजेस ऑफ स्टोर कीपर। ठीक है, किसी पर्सन की शॉप है, उसने एक पर्सन हायर किया है उस शॉप को संभालने के लिए, तो वो डायरेक्ट सॉरी हमारा इनडायरेक्ट लेबर हो गया। फोरमैन हो गए, टाइमकीपर्स हो गए, सेल्स ऑफ सेल्समैन हो गए, जो भी हमने प्रोडक्शन करी है उसको, जो भी हमने बनाया है उसको बेचने के लिए हमें एक सेल्समैन चाहिए, तो वो सेल्समैन जो गया वो हमारी एक इनडायरेक्ट लेबर हो गई, क्योंकि उसने बनाने में हेल्प नहीं करी लेकिन वो उसको बेच तो रहा है। ठीक है, लोगों तक पहुंचा तो रहा है, पैसे तो हमें उससे मिल रहे हैं ना, तो वो हमारे सेल्समैन भी इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल हो गया। और ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ये सारे हमारे कॉस्ट हो गई किसकी, इनडायरेक्ट लेबर की, जो हम इनडायरेक्ट लेबर्स को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टोर कीपर को हम वेजेस देंगे, फोरमैन हो गए, टाइम कीपर्स हो गए, हम किसी सेल्समैन को सैलरी देंगे, तो ये हमारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट कॉस्ट का, जो कि है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। ऑल अदर एक्सपेंडिचर अदर देन मटेरियल एंड लेबर विच आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। क्या कह रहे हैं ये, जितने भी हमारे खर्चे या फिर कह सकते हैं एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मटेरियल से अलग, लेबर से अलग, जो प्रोडक्शन में लगते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में लगते हो, सेलिंग में लगते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हो, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड विदाउट देम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इनकी जरूरत है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसके लिए, और इनके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उन एक्सपेंसेस से ही जो खर्चे हैं उन्हीं को हम लगा रहे हैं मटेरियल में। ठीक है, हम मटेरियल में वो पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लेबर को वो पैसा दे रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो। ठीक है, तो ये सारे खर्चे जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंसेस में भी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अगेन जो एक्सपेंसेस है वो भी दो पार्ट्स में हमारे डिवाइडेड है। नंबर वन है डायरेक्ट एक्सपेंस और नंबर टू है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। दीज आर एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली कन्वीनियंटली एंड होली एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली या फिर पूरी तरीके से किए जाते हैं कॉस्ट यूनिट्स पर। फॉर एग्जांपल आपके पास दो तीन मशीन है, राइट, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास दो तीन मशीन है और आपके पास अचानक से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि आपसे वो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है और आपके पास एक टाइम लिमिट भी है। ठीक है, कुछ दिनों का आपके पास समय है। अब दो तीन मशीन में वो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है, इतनी प्रोडक्शन करनी पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप एक दो मशीन और खरीदोगे, राइट, आप अलग से लेबर को भी पैसे दोगे कि वो वहां पर काम करे, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प करी उस मशीन ने और उस लेबर ने उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। आगे अगर हम बात करें, ये सेकंड और फर्स्ट ये गलत हो गया, ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन है और ये पॉइंट नंबर टू है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, उनका जो यूज हो रहा है वो इनडायरेक्टली हो रहा है। कैसे हो सकता है, मान लो हमने कोई एक जगह ले रखी है, उसका हमें रेंट पे करना है, जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हमने अपने प्रोडक्शन यूनिट सेट करी है उस जगह का हमें रेंट पे करना है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। प्रोडक्शन में उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही, लेकिन हमें वो प्रोडक्शन करने के लिए लेकिन पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमने वहां पर जगह रेंट पे ली है और उस जगह पे हमें प्रोडक्शन करनी है, तो हमें वो रेंट देना पड़ेगा। हम जो लेबर वहां पर काम करें उसको सैलरी देंगे, उसका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं अगेन, लेकिन हमें लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी तब वो प्रोडक्शन होगी। तीसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं यूटिलिटी बिल्स का, जब वो मशीनरी चल रही है तो उसका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है, या फिर जो भी बिल वहां पर आएंगे उन बिल्स को हमें पे करना पड़ेगा, तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनका कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता प्रोडक्शन से, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर देंगे उस प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने यहाँ पर जाने लेबर के बारे में, जो कि अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर थी, और साथ में मटेरियल भी हमने जाने, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे एलिमेंट्स कॉस्ट के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से कह रहा हूँ, 5 मार्क्स में बहुत इजीली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे कहेंगे क्वेश्चन में कि आप डिफाइन करो कॉस्ट को, साथ में एक्सप्लेन करो उसके एलिमेंट्स भी। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अदरवाइज आपको ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक काम ना करे या फिर कोई भी प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही हो, कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस पर्टिकुलर जो भी चीज आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। बाय बाय।